नरेंद्र दामोदरदास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पीएम मोदी थोड़ी देर में पदभार ग्रहण करेंगे। पीएम ओझा करके पदभार नरेंद्र मोदी ग्रहण करेंगे। लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं और ऐसे में अब शपथ पीएम ने ले ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। अब बारी है कि पीएम ओझा करके पदभार ग्रहण कर लें और उसके बाद से कामकाज संभालें। तो देखिए, पीएम मोदी थोड़ी देर में पदभार ग्रहण कर लेंगे और पीएमओ पहुंचेंगे और वहां जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने ये पीएम की कुर्सी संभाली है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे लौटे हैं तो कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है। गठबंधन धर्म को निभाते हुए सहयोगी दल के नेता भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ करीब 8,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी ने मंत्री पद की शपथ ली, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार, और ये तारीख दर तारीख 26 मई 2014, फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का शपथ। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी देश की ओर आगे ले जा रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत का हर सपना साकार होगा। बहुत गर्व होता है कि मोदी 3.0 एक हकीकत है। इतिहास बना है। 1962 के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री तीन बार जीत के आए हैं। जो आपने राष्ट्रपति भवन पे देखा वो एक झलक थी एक विकसित भारत के लिए। केंद्र और प्रदेश, प्रदेश के अन्य मंत्रीगण कोऑर्डिनेट करके भारत को रफ्तार के साथ प्रगति की ओर लेके जा रही है। और गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कि हमारे प्रधानमंत्री की नीति नियत में कोई खोट नहीं। मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें जेडीयू के 2, बीजेपी के 4, एलजेपीआर के 1 और हम के 1 नेता मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे, जेडीयू के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने शपथ ली। हम से जीतन राम मांझी और एलजेपीआर से चिराग पासवान ने शपथ ली है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह ने मोदी कैबिनेट में शपथ ली। गिरिराज सिंह के घर परिवार में खुशी का माहौल है। वैसे तो गिरिराज सिंह लखीसराय जिले के बड़हिया के रहने वाले हैं, लेकिन बेगूसराय स्थित उनके ननिहाल में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। सदानंदपुर में जहाँ गिरिराज सिंह का बचपन बीता, वहाँ परिवार वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं और पीएम मोदी का आभार भी जताया है। मेरे भाई हैं, आज हम लोग पूरा जश्न मना रहे हैं। मिठाई बांट कर, पूजा पाठ कर भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके और सारे लोगों को मिठाइयां बांट के हम लोग जश्न मना रहे हैं। गिरिराज बाबू को आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि उनकी दया बरसी
कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास व्यक्त किया। गिरिराज, जब मेरी शादी हुई थी तो हम यही समझते थे कि मेरे दो देवर नहीं, तीन देवर हैं गिरिराज बाबू को लेकर, और गिरिराज बाबू बचपन से साथ रहे और कभी नहीं लगा कि आज हम बहुत हम लोग खुश हैं कि आज गिरिराज बाबू तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्ट्री में। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई कैबिनेट में मुजफ्फरपुर के सांसद और रोसड़ा के प्रसिद्ध डॉक्टर राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया है। इसे लेकर रोसड़ा में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर रात तक रोसड़ा में बीजेपी समर्थक सड़क पर उतरे और अपनी खुशी जताई। आतिशबाजी के साथ ही समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। चिराग पासवान के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। चिराग पासवान ने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है, साथ ही ये अपने दायित्व का निर्वहन को लेकर उन्होंने भरोसा दिया। चिराग पासवान से जो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आए हैं, चिराग क्या आपका एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? कैबिनेट मंत्री बने हैं, मंत्री बने और सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई खुशी या सिर्फ जश्न बनाने का नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पद आता है। ऐसे में जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया है उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाऊंगा, ये विश्वास जरूर दिला। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, आप अकेले सांसद बचे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आपको 5 सीटें मिली, पांचों के पांचों जीत करके आए, ये कितना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और काम करने में आगे कितनी मदद मिलेगी? स्वाभाविक है, जब परिणाम अच्छे होते हैं तो हर किसी का मनोबल बढ़ता है। इसी में ही नहीं, स्कूल में भी परीक्षा आप दें और परिणाम अच्छे आए, या कोई मैच हो 100% स्ट्राइक रेट आपका हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। तो ऐसे में खुशी है इस बात की कि हम लोग की मेहनत रंग लाई, बट हाँ, यहाँ से जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान है, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ मितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी के लिए राजधानी रांची में जश्न देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजय सेठ और मोदी कार्यकाल की तारीफ करते हुए जमकर आतिशबाजी की। देखिए जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के साथ रांची में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न में पूरी तरह से सराबोर हैं। यहाँ जो इलाका है, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये सांसद संजय सेठ का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस इलाके में कुछ दूरी पर अगर आप आगे बढ़ें तो उनका आवास भी है, और यहाँ वो जश्न देखने को मिल रहा है क्योंकि ये क्षण ही बहुत खास है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, आज डबल खुशी है एकदम। देश के मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के शपथ ले रहे हैं, और उनके साथ ये भी खुशी है कि झारखंड में रांची के सांसद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, साथ में कोडरमा के अन्नपूर्णा देवी जी को भी, क्योंकि मोदी जी को झारखंड से व्यक्तिगत लगाव भी है, और इसे हम हर्ष का है, खुशी का विषय है कि मोदी जी झारखंड के बारे चिंता किए। बिजनरी नेता है और हमारे सांसद महोदय के कारण रांची का विकास हो रहा है। देश भर में इस तरह की तस्वीरें इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली, वैसे ही हाजीपुर में LJP-RV कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई और लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां LJP-RV के कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये खबर सबने देखी, जैसे ही स्क्रीन पर भी लगातार नजर बनाए हुए थे, और चिराग पासवान ने जैसे ही शपथ लिया वैसे ही जश्न का माहौल शुरू हो गया। नंबर रहे।
ये मोदी की नई कैबिनेट में मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया है। मुजफ्फरपुर से पहली बार जीतकर सांसद बने डॉक्टर राजभूषण निषाद के समर्थकों में खुशी की लहर है। एनडीए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जमकर आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के खूब नारे भी लगाए। बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके साथ मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद मंत्रालय में शामिल हुए हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल है। काफी उत्साहित है। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके सांसद भी मंत्री बन गए जी? बहुत बहुत बधाई पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को। बहुत बहुत बधाई कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद जर्ज शहर के बाद एक मंत्री का पद मुजफ्फरपुर को मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, पीएम मोदी फिर से पीएम बन गए हैं मोदी जी? ये करोड़ों भारतीयों का ये उपलब्धि है। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का यह भूमिका है जो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास से यह देश पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और यह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय देवतुल कार्यकर्ता का योगदान है और मतदाता का योगदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री इसी से राजभूषण निषाद सांसद है, यही उनका घर भी पड़ता है और वो अब मंत्री बने। कितने खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश है। अब सारा जनता मुजफ्फरपुर के खुशी की लहर में भी झूम रहा है, फटाखा फोड़ रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है कि पहली बार जीतने के बाद पहला बार मंत्री बनने का सौभाग्य राजभूषण निषाद जी को मिला है। तो मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी शपथ ले ली है मंत्री के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में उत्साह जो है वह दुगुना हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी जो है तीसरी बार उन्होंने शपथ ले लिया है के लिए। गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आतिशबाजी की। जुलूस की अगुवाई बीजेपी मंडल कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार पंडा और किशोर साहू ने की। मुख्यमंत्री का शपथ लिए प्रधानमंत्री का तीन बार, इसके खुशी में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी का माहौल है और जश्न मना रहे हैं। पूरे भारत जश्न मना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता का हम लोग हम शुभकामना भी देते हैं। और इस खुशी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज आतिशबाजी भी कर रहे हैं, आज चौक मिठाइयाँ भी। मोदी कैबिनेट में जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोलबाजे के साथ आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गुड्डा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए खुशी जाहिर की। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और भारतवासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गरीबों की 10 वर्षों में मोदी जी ने बहुत ही सेवा की है। आने वाले 5 वर्षों में और जो शेष छूटे हुए कार्य हैं उनको ये बेहतर ढंग से पूरा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के केंद्र में मंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव से लेकर इलाके में जश्न का माहौल है। नरकटियागंज के हरसरी गांव के रहने वाले सतीश चंद्र दुबे एक जमीनी कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय किया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरकटियागंज में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा इससे बड़ा गौरव कुछ हो ही नहीं सकता है।
कैसा सफर रहा किसान से अभी तक केंद्र के मंत्री तक बन गए? बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, इतना संघर्ष कि प्रशासन से लेके और अपने से बड़े लोगों का, सब लोगों से हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ा। संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। वो संघर्ष के पीछे अपने परिवार, अपने समाज और भारतीय जनता पार्टी के सारा जनता और कार्यकर्ता का ही सहयोग रहा है। अब तो वो पूरे केंद्र के मंत्री बनने जा रहे हैं क्षेत्र चंपारण के लिए, क्या उम्मीद? चंपारण में जो काम बाकी होगा पूरा होगा एकदम, कुछ भी बाकी नहीं। अब तक तो बहुत काम किए हैं, लेकिन जो बाकी काम होगा वो सब पूरा होगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बिहार से इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। जेडीयू के भी ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू सांसद के केंद्रीय मंत्री बनने की खुशी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ जश्न मनाया, वहीं आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी। जेडीयू कार्यालय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, वहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जेडीयू कोटे से ललन सिंह ने मोदी कैबिनेट में अपनी जगह बनाई, इसके साथ साथ रामनाथ ठाकुर ने, और जैसे ही ललन सिंह के शपथ लेने की खबर सामने आई वैसे ही उनके समर्थकों में उत्साह दौड़ गया और आतिशबाजी हुई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां भी बांटी गई हैं। औरंगाबाद से इस बीच बड़ी खबर है जहां 2 प्रेशर आईडी बम बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है, दोनों बम को डिफ्यूज किया गया है। मदनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, सुरक्षा बलों की कार्रवाई सामने आई है। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बम को डिफ्यूज किया गया है, 2 प्रेशर आईडी बम बरामद किए गए। मदनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है।